मंत्री साहब जल्द से जल्द मुरैना का जो यहाँ पर आज पुतला उन्होंने जलाया सतीश शर्मा जी का, उसे लेकर अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम आम लोग हैं, ये लोग सतीश किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, हम आम जनता है, हम भी आम जनता है। हम शम से नहीं आए हैं, हम जम्मू से हैं, हम जम्मू से हैं, हमें किसी की डायरेक्शन नहीं है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। पर एक युवा लीडर और युवा नौजवान और गरीब परिवार के हित में काम कर रहे हैं, हम अक्सर उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें उमर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हमें डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी को जम्मू में लाया और हमारे इंडिपेंडेंट श्री सतीश शर्मा जी को हमारा मिनिस्टर बनाया। हम लोगों को उनसे काम लेने चाहिए, उनको करप्ट विरोध नहीं करना चाहिए। ये कुछ चार पांच लोग अपने आप को बड़े हीरो समझते हैं, ये पहले कहाँ सोए हुए थे, पहले कहाँ थे? आज आयुष्मान लोगों के पैसे काटे जा रहे हैं, जेब से भी लिए जा रहे हैं, आप लोग दोनों हाथों से छीन रहे हो। ये हम कदे भी जनता के बीच वो पूरे दिन में अब मुझे नहीं लगता कि वो 3 से 4 घंटे नींद पूरी करते हैं। किनके लिए? हमारे जम्मू कश्मीर लोगों के लिए। वहाँ एक्सीडेंट हुआ, हमने देखा कश्मीर में, आप लोगों ने सबने देखा होगा, एक मिनिस्टर का पहली बार वो काफला रुक के उन्होंने अपनी गाड़ी में उनको बिठाया होगा। आज तक वो पहले कहाँ बीजेपी वाले कहाँ सोए, वो उनको नहीं दिखते थे, तब कहाँ थे वो? आज आयुष्मान का भारतीय जनता पार्टी का झूठा दिलासा, एक जॉइंट रिप्लेस के लिए 80,000 रुपए की रकम, अगर किसी औरत के 2 जॉइंट रिप्लेस करने हैं तो दोनों जॉइंट एकदम क्यों नहीं? एक होगा फिर अगला होगा, फिर डॉक्टर्स बोलते हैं ये तो नकली है, इंडियन जो इंडियन जॉइंट ये तो नकली है, हम जॉनसन का डालेंगे, 50,000 रुपए ऊपर दे दीजिए। ये सारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार और मुरैना हॉस्पिटल की मिली भगत है, सब मिली भगत।